चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ शहर के सिविल अस्पताल में अब कोरोना वायरस टेस्ट कराया जा सकेगा, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने किया है। इस सुविधा का लाभ सभी जरूरतमंद लोग अब उठा सकते हैं, जिसमें सारे उपकरण हॉस्पिटल के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ अस्पताल में प्रशासन मरीजों का पूरा सहयोग करेगा और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग पहले बल्लभगढ़ शहर से बीके अस्पताल जाकर जांच कराने पर मजबूर थे, अब उन्हें ये सारी सुविधाएं बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध होंगी। फिलहाल यहां 100 सैंपल की टेस्टिंग का प्रावधान है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकेगा और टेस्टिंग का सुचारू रूप भी शुरू हो चुका है। कोई जरूरत पड़ेगी तो इसकी क्षमता और बढ़ाई भी जा सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे पास साहब ने सब कुछ दे दिया है और इनकी मेहनत से ये बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ना इधर उधर कहीं भागना है और लगातार ये पेशेंट इधर उधर से निकल रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मंडी से, कोई इधर से, तो इन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको एम्बुलेंस से या कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे तो खुद आके भी टेस्ट करा सकता है। जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट के हैं उनके लिए स्पेशली ये दायित्व है, सुविधा है। ये सर जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए क्या प्राथमिकता के आधार पर उनकी कैसे खोज की जाएगी, उनको किस तरीके से बुलाया जाएगा? टीबी के ऑलरेडी हमारे यहाँ टेस्ट चल रहा है, सीबी नेट मशीन भी लगी हुई है और स्पूटम वगैरह हो रहा है, सारे कुछ टीबी की जांच हो रही है। उनको भी COVID-19 टेस्ट कराना कंपलसरी है। कोई भी केस पॉजिटिव या सस्पेक्टेड आता है उसका COVID-19 टेस्ट भी होगा साथ में। जो ऑलरेडी पहले से ही इस बीमारी से अपना पीड़ित है, क्या उनको सूचना करके यहाँ बुलाया जाएगा? बिल्कुल, जिनके पॉजिटिव